फीलिंग, थिंकिंग, एक्टिंग। किसी भी कार्य को करने के पीछे की यह तीन अदृश्य शक्तियां होती हैं जो किसी भी विचारधारा को रूप प्रदान करती हैं। सिविल सेवा की तैयारी में किताबें भी कुछ ऐसी ही भूमिका निभाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IAS फर्स्ट और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कुछ बुक लिस्ट की जो UPSC प्री में इम्पॉर्टेंट होंगी। चूंकि हमारा फोकस प्री पर होगा तो किन विषयों की चर्चा हम करेंगे यह देख लेना पहले इम्पॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से हैं: इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, मिसलिनियस। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं बट किसी सब्जेक्ट के दायरे में नहीं आते, और आज के दौर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चूँकि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं विषयों की और उनसे रिलेटेड किताबों की, तो सबसे पहले यह समझ लेना पुस्तकों का चुनाव अपने आप पे ही महत्वपूर्ण क्यों है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मार्केट में एक ही विषय के लिए एक से अधिक बुक उपलब्ध होती हैं, और जो गाइडेंस उपलब्ध होता है उसके अनुसार या जो जिन्होंने पहले इस परीक्षा को दिया हुआ है उनकी बातें सुनकर अक्सर अभ्यर्थी कुछ ऐसी पुस्तकों को पढ़ लेते हैं जिसका कोई यह केवल समय की बर्बादी होती है। चलिए देन विषयवार देख लेते हैं किस विषय के लिए कौन सी पुस्तक सबसे उपयुक्त होगी। या हम अगर बात करें इतिहास के लिए तो इतिहास को तीन भागों में बांटकर देखा जा सकता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। यदि हम बात करें प्राचीन भारत के इतिहास के लिए तो इसके लिए NCERT की बुक सबसे उपयुक्त है जो कि RS शर्मा द्वारा लिखी गई है। वहीं मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की किताब, और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा की किताब। आधुनिक भारत के लिए एक और किताब रेफर की जा सकती है जो कि स्पेक्ट्रम की है। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि आधुनिक भारत के इतिहास जो विपिन चंद्रा वाली किताब है वो, या स्पेक्ट्रम वाली, इन दोनों में से आप कोई एक ही किताब को पढ़ें। चूँकि दोनों का कंटेंट एक जैसा ही है इसलिए दोनों पढ़ा जाए यह ज़रूरी नहीं है। यहाँ एक बात मैं साफ कर दूं कि यदि कोई मध्यकालीन भारत के इतिहास को छोड़ भी दे तो भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि विगत वर्षों में देखा गया है कि इससे केवल एक या दो सवाल पूछे जाते हैं और पिछले कुछ वर्षों में तो एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। क्योंकि इसका दायरा इतना बड़ा है कि आप अगर पूरी किताब भी पढ़ लें तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो सवाल पूछा जाएगा वो आपसे हो ही जाए। तो इसे छोड़ा जा सकता है, फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो यह पढ़ सकता है। अच्छा, जहाँ प्री के नज़रिए से बात है, एक इन तीनों ही बुक का एक सब्स्टिट्यूट है चाणक्य IAS अकेडमी की यह किताब भारत का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अगर यह आपको किताब कहीं से मिल जाए तो प्री के हिसाब से यह मोस्ट सूटेबल है। यह इन तीनों ही बुक RS चंद्रा, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम का रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें तीनों ही सेक्शन डिटेल से इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसकी हर एक लाइन UPSC के लिए एक पोटेंशियल सवाल है। अगर आपको कहीं से यह मिल जाए तो यह तीनों बुक का रिप्लेसमेंट हो सकता है प्री के नज़रिए से। इस बुक का कवर आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा पर मैं बता दूं कि यह हिंदी में भी अवेलेबल है। यह काफ़ी मुश्किल होगा कि मार्केट में आपको किताब मिल जाए, बट फिर भी अगर आपको आपके किसी फ्रेंड से मिल जाता है तो यह यूज़फुल हो सकता है। इतिहास का एक और सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। इसके लिए सबसे अच्छी बुक है नितिन सिंघानिया की बुक, यह एक रेफ़र की जा सकती है। इसके अलावा काफ़ी लोग CCERT की बुक पढ़ने की सलाह देते हैं, बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी बोझिल है और इससे इतने सवाल भी बनते नहीं हैं। नितिन सिंघानिया की बुक मोर देन सफिशेंट होगी। अगला एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ा सेक्शन आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए ओल्ड NCERT और न्यू NCERT, ये दोनों ही पढ़ी जा सकती। जहाँ तक बात करें ओल्ड NCERT की तो कक्षा 6, 7 और 8 की NCERT पढ़ी जा सकती है। इससे आपको अंतरिक्ष के बारे में और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, विश्व भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त। वहीं कक्षा 11 की नई वाली NCERT की दो NCERT हैं, भारत के भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत और भारत
भौतिक पर्यावरण, इसके टाइटल कुछ इस प्रकार हैं, इनको रेफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा कक्षा 12 की एनसीईआरटी है जो बेसिकली मानव भूगोल से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर कोई रेफरेंस बुक इस्तेमाल करना चाहे तो इसके लिए दो रेफरेंसेस बुक हैं, भौतिक भूगोल सविंदर सिंह के द्वारा और भारत का भूगोल माजिद हुसैन के द्वारा। पर मैं एक बात बता दूं कि यहाँ सिविल सेवा की तैयारी में अगर एनसीईआरटी का कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है तो वह भूगोल में ही है। अगर आप इन दोनों बुक, जो रेफरेंस बुक है, माजिद हुसैन की बुक और सविंदर सिंह की बुक, ये दोनों बुक ना भी पढ़े और ये 5 एनसीईआरटी आप पढ़ लें तो यह मोर देन सफिशेंट होगा, इससे सवाल। इसके अलावा यदि आपकी दिलचस्पी डिटेल में पढ़ने की हो तो यह दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। इसके अलावा भूगोल में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैप्स का होता है। जब हम बात करते हैं मैप्स की तो बेसिकली हमारा मतलब होता है विश्व की बड़ी नदियों, बड़ी झील, जल संधियाँ, प्रायद्वीप या कोई ऐसा टॉपिक या क्षेत्र जो न्यूज़ में हाल फिलहाल में चर्चा में रहा हो। तो मैप्स के लिए ओरिएंट ब्लैक सॉन की एटलस यूज की जा सकती है। यहाँ मैं बता दूँ कि यह जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, यदि आप हिंदी में यूज़ करना चाहें तो ऑक्सफोर्ड की या कोई अन्य जो मार्केट में अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। हाल के दिनों में देखा गया है पॉलिटी का सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए हॉट टॉपिक्स रहा है और काफ़ी सवाल सीधे सीधे पॉलिटी से पूछे जाते हैं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक सबसे बेहतर है। इसके अलावा डीडी बसु की बुक भी काफ़ी लोग रेफ़र करते हैं, पर जहाँ तक मेरी समझ है डीडी बसु की बुक जहाँ तक प्री का नज़रिया है ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से एम लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशेंट पढ़ते और ध्यान से पढ़ें, जितनी अधिक बार हो सकता है उतनी अच्छी होगी। एक बुक मोर देन सफिशेंट होगा, इसकी हर एक लाइन में एक पोटेंशियल सवाल होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लोग एनसीईआरटी की 11th की बुक अर्थव्यवस्था वाली पढ़ने की सलाह देते हैं, बट यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस बुक का सीधा सीधा सिविल सेवा की तैयारी से कोई जुड़ाव नहीं। सिविल सेवा की तैयारी में रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी सहायक हो सकती, बट मैं यहाँ यह साफ कर दूं कि रमेश सिंह से सीधे सीधे कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इकोनॉमी की इससे हो जाएगी, जो डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्टली काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, तो रमेश सिंह इकोनॉमी के लिए रेफ़र किया जा सकता है। हाल के ट्रेंड्स को देखते हुए यह काफ़ी साफ है कि इकोनॉमी से ज़्यादा सवाल इकोनॉमिक सर्वे, बजट या सरकारी योजनाओं पर पूछे जाते हैं। वही सवाल बनते हैं जो करंट में होते हैं, तो जो खबरों में हो, जो विवादित हो, उस पर ध्यान दीजिए, सवाल वहीं से बनेंगे। जहाँ तक इन्वायरमेंट की बात है, उपलब्ध सभी विकल्पों में से शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट वाली बुक सबसे उपयुक्त, पर यह पुस्तक अंग्रेजी में है, इसका हिंदी में कोई संस्करण नहीं है। इससे खासी दिक्कत हो सकती है, यदि कोई हिंदी में चाहे तो इग्नू की इन्वायरमेंट की Volume 1 और Volume 2 रेफ़र कर सकता है, पर इग्नू की पुस्तक सीधे सीधे हमारी तैयारी में इतनी लाभदायक नहीं है क्योंकि इससे सवाल नहीं पूछे जाते। आपको कुछ विषयों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो आपकी इनसाइट डेवलप कर सकते हैं, तो यदि कोई चाहे तो इग्नू की इन दो वॉल्यूम्स को भी रेफ़र कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको मार्केट से कोई मटेरियल मिल जाए तो आप उसकी उपयोगिता को देखते हुए, उसके कंटेंट को देखते हुए वो भी रेफ़र कर सकते हैं। बट जो बात ध्यान देने योग्य है, आपको इसमें संधियों, प्रोटोकॉल, कन्वेंशंस और ऑर्गेनाइजेशंस पर विशेष ध्यान देना है जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हों और जिनका संबंध पर्यावरण या पारिस्थितिकीय तंत्र से रहा हो। जहां तक बात है साइंस एंड टेक की, लोग 6th to 12th की एनसीईआरटी पढ़ने की बात कहते हैं, बनते जहां तक मेरी समझ है इससे सीधे सीधे सवाल नहीं बनते, फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट डेवलप करने के लिए यह पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं।
या अगर आपको मार्केट से किसी कोई क्लास नोट्स या कोई और प्रिंटेड नोट्स मिल जाए तो आप उसे कंटेंट को देख के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं बताते चलूँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से वही सवाल पूछे जाएंगे जो करंट में रहे हो। तो न्यूज़ पढ़ते समय किसी नई खोज, इंटरनेशनल मिशन, इसरो द्वारा चलाए गए मिशन या कोई और विज्ञान या प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो तो उस पर ध्यान दें, सवाल वहीं से। पिछले वर्षों में इंडिया ईयरबुक को लेकर काफ़ी भ्रम फैलाया गया है। लोग दावा करते हैं कि इंडिया ईयरबुक से 15 से 16 सवाल पूछे जाते हैं, पर यह दावा वास्तविकता से कोसों दूर है, क्योंकि जिन सवालों का दावा इंडिया ईयरबुक से आने का किया जाता है, साल भर उनकी चर्चा और भी कई प्लेटफॉर्मों पे 950 पेज पढ़ना और उसमें से इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम हॉल तक कैरी करना, कॉस्ट बेनिफिट रेशो अगर देखा जाए तो यह काफ़ी बोझिल है और मैं इसे पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप साल भर बाकी के प्लेटफॉर्म पर और चीज़ों को देखते हैं तो जो इंडिया ईयरबुक से सवाल पूछे जाने का दावा किया जाता है वह आपकी नज़रों से होकर जाएगा और यकीन जानिए वह आप अटेम्प्ट कर लेंगे। विगत वर्षों के ट्रेंड्स को देखते हुए करंट अफेयर अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन उभर कर सामने आया है। जहाँ तक करंट अफेयर की बात है, लोग हिंदू पढ़ने की सलाह देते हैं, बट एक एवरेज स्टूडेंट या बेसिकली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के नाते जो शब्दावली हिंदू की है उसे समझ पाना काफ़ी मुश्किल है और उसमें 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करना खुद को जस्टिफाई नहीं करता है। हिंदू को स्किप करके बाकी के उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान दिया जाए तो हिंदू की कमी नहीं खलेगी। इसके अलावा मार्केट में जो विजन की मंथली करंट नोट्स आते हैं या एग्ज़ाम के 2 महीने पहले PT 365 आता है वह यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली PT 365 में जो इंफॉर्मेशन होता है वह विजन की मंथली करंट अफेयर से ही लिया जाता है और विजन PT 365 में मंथली से कम इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर आप मंथली करंट अफेयर यूज़ करते हैं तो वह मोर देन सफिशेंट होगा। इसके अलावा हाल के दिनों में एक अच्छा विकल्प उभर कर आया है यूट्यूब और उस पर उपलब्ध अनेक चैनल्स जिस पर डेली न्यूज़ एनालिसिस किया जाता है। हमारा भी प्रयास है IAS फर्स्ट के रूप में जिसमें आपके साथ डेली न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा डेली आपको 4 से 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे सवालों को कैसे हल किया जाए और आप इस बात की आर्ट और एक इनसाइट डेवलप कर लेंगे जो एग्ज़ाम हॉल में आपकी खासी सहायता करेंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ, आप कोशिश करिएगा जो भी पढ़े उसका सिनॉप्सिस या नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि जिसका आप सिनॉप्सिस या नोट्स नहीं बनाएंगे आपकी याददाश्त कितनी भी अच्छी हो यकीन मानिए आप कुछ समय बाद भूल जाएंगे और जिस इंफॉर्मेशन को आप एग्ज़ाम हॉल तक नहीं ले जा पाएंगे उन किताबों को पढ़ना मात्र समय की बर्बादी है। तो पढ़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक रूल बना ले कि जिन चीज़ों को पढ़ेंगे उसका नोट ज़रूर बनाएं। किसी भी पल आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।